जिला युवा कांग्रेस और गोहला हल्का युवा कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गोहला चीका में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में जिले के पदाधिकारियों ने भाग लिया और स्थानीय विधायक कुलवंत बाजीगर और मंत्री अनिल विज का पुतला फूंककर सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। ये गोहला हल्का में जो कर्मचारियों के साथ ज्यादती हो रही है, उन पे जो छोटे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बार बार आंदोलन किए जा रहे हैं। जब से 2014 से ये बीजेपी सत्ता में आई है, तब से ही सड़कों पे हैं लोग, हर वर्ग की है। हम इस आंदोलन के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि जो एसडीओ के खिलाफ छोटा मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको सस्पेंड किया गया है या उनको हरासमेंट किया जा रहा है। इस सारे मामले जो सेक्रेटरी की और उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनस्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग को भी गिराया जाएगा। एक कर्मचारी किस प्रकार से सरकारी बिल्डिंग को गिराने की उसको क्या अथॉरिटी है? हम इस माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। जनस्वास्थ्य का एसडीएम है, उसे सरेआम उस पर हमला करके और मारपीट की गई है और उसकी कोई कार्रवाई न करके यहाँ के जो वो मंत्री है उसे ही सस्पेंड किया, एसडीओ को ही सस्पेंड करने का काम किया है। ये भाजपा सरकार एक जन विरोधी कार्य ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, ये एक पूरी जो जनता है वह महफूस हो गई है, वो घबरा गई है। जो ये सरकार, चाहे हम इसे कर्मचारी विरोधी कहें, चाहे व्यापारी विरोधी कहें, अधिकारी विरोधी कहें, किसान विरोधी कहें, जितने भी नाम देंगे हम, ये उतनी विरोधी है। आप लोगों ने सबने पता है कि एक जन स्वास्थ्य विभाग का एसडीओ और विधायक का कोई तजन या साथी या रिश्तेदार उसके ऊपर साथ फोन करता है और ये कहता है कि आपने पानी का बहुत देना है डंपर, और वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं थी, वहाँ पर पब्लिक प्यासी नहीं थी जहाँ वो पानी का डंपर मांग रहे थे। वहाँ एक सरकार के द्वारा ठेका लिया गया और ठेकेदार को पानी दिलवाने के लिए विधायक के इशारे पर एक सेक्रेटरी एसडीओ को फोन करता है, उसको धमकी देता है और वो ये कहता है ये जमीन जन स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, और उसके ऊपर उसको मारपीट की गई है। और वो मारपीट उसके बाद जब यहाँ मिनिस्टर आते हैं कन्वेंसिंग मीटिंग लेने के लिए, वो किसी की सुनवाई नहीं करते, वो एक तरफा विधायक के इशारे पर अपना तानाशाह फरमान सुना देते हैं। उसके विरोध में अब आज एक एसडीओ के साथ हरकत हुई है। इससे पहले यहाँ पर हमारे कैथल के सीआईए 2 के इंस्पेक्टर जो वहाँ उसके मौके पर विमल कुमार थे, उसको सस्पेंड करवाया गया था। इस बीजेपी सरकार के गुंडों ने वहाँ भी थाने तोड़फोड़ की थी और यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में एसडीओ के ऊपर जो तोड़ मारपीट आई हुई है, वो उससे कोई छिपी नहीं है किसी से।